कि किस तरीके से चीन अगर टेढ़ी नजर भारत की तरफ करता है तो भारत की तैयारी इतनी ज्यादा है कि उसे अगर वो ताइवान जैसा कुछ करता है फिर से तो उसे भारत के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस सिचुएशन में या जो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसी सिचुएशन में भारतीय सेना डटी रहती है एलएसी के आसपास। भारतीय सेना ये सुनिश्चित करवाती है कि आप घरों में सुरक्षित हैं क्योंकि हम यहाँ पर डटे हुए हैं और उनके शौर्य और उनकी वीरता और उनके साहस की दाद देनी होगी कि आप देखिए इस -2 या -3 टेम्परेचर पर आप देखिए कि किस तरीके से बीआरओ तो काम कर ही रहा है रोड कनेक्टिविटी के लिए लेकिन एलएसी के आसपास के इन तमाम इलाकों में भारतीय सेना भी देखिए कि किस तरीके से मजबूती से ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है। लेकिन 9 तारीख को जो कुछ हुआ उसके बाद से चीन लगातार दबाव पे नजर आ रहा है, चौतरफा घिरता भी नजर आ रहा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 8 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर भारतीय सेना ने चीन को पटखनी देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। चीन की ताकत अगर हमें नजर आ रही है तो भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है पटकनी देने के लिए और ये बताने के लिए कि अगर चीन तुम छेड़ोगे तो हम आपको छेड़ेंगे नहीं। ऐसे में इन 8 लोकेशंस में भारतीय सेना की क्या कुछ तैयारी है और अगर तवांग जैसा एक बार फिर से चीन ने कर लिया तो उसे बहुत मुश्किल होगा। ये रिपोर्ट देखिए। वायरल वीडियो चाहे पुराना हो लेकिन इससे पता चलता है कि एलएसी पर टक्कर कैसे होती है। वायरल वीडियो चाहे किसी और लोकेशन का क्यों ना हो ये वीडियो 9 दिसंबर का नहीं है लेकिन एलएसी पर तवांग हो या फिर गलवान या फिर कोई और मोर्चा ये बात साफ है कि चीन और भारत की टक्कर बार बार हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के टारगेट पर सिर्फ तवांग नहीं बल्कि 8 ऐसे पॉइंट हैं जहां उसकी बुरी नजर बराबर बनी हुई है। इन 8 पॉइंट्स पर भारत की पकड़ मजबूत है और यही बात चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आपको 8 जगहों के बारे में तफसील से बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो वायरल है जो 2021 का बताया जा रहा है और इसकी लोकेशन के बारे में भी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। फिलहाल ये बात साफ नहीं है कि चीन ने जो हरकत गलवान में की है वही इस वीडियो में भी सामने आई है लेकिन यहाँ चीन बुरी तरह खदेड़ दिया गया। एक बात साफ है कि ये वीडियो 9 दिसंबर का नहीं है। 9 दिसंबर को तवांग में चीन के 300 सैनिकों ने हमला किया था। दोनों तरफ के फौजियों के बीच झड़प हुई और कई सैनिक जख्मी हुए। इसमें कोई शक नहीं कि चीन एलएसी पर बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके टारगेट पर लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश भी है। इस वक्त एलएसी पर 2 बड़े इलाके हॉट बने हुए हैं। पहला है लद्दाख में डेपसांग और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में तवांग। इन दोनों जगहों पर भारत और चीन की फौज आमने सामने है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर लंबी इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर है। 9 दिसंबर को तवांग में जो कुछ हुआ उसमें भी दोनों तरफ के कई फौजी जख्मी हुए। ऐसे में बहुत जरूरी है कि तवांग के साथ अरुणाचल प्रदेश में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जहां चीन की गंदी नजर है। इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, आपको चीन के बुरे इरादों के बारे में नई नई बातें पता चलेंगी। इस मैप को बहुत गौर से देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ तिब्बत बॉर्डर पर भारत और चीन की फौज 1129 किलोमीटर लंबी एलएसी पर तैनात है। अब यहाँ 8 ऐसी जगह है जिसे लेकर चीन बार बार एलएसी पर तनाव पैदा करता है। भूटान से लगे तवांग जिले को आप जानते हैं, यहाँ एलएसी पर नामखाचू, इसके बाद है यांगत्से, फिर है सुमदोरोंगशु, इसके आगे एलएसी पर है असाफिला, पूर्वी तरफ बढ़ेंगे तो लोंगजू है, उसके आगे है लमांग, फिर दिबांग वैली है जहां फिश टेल 1 और फिश टेल 2, यहां चीन की बुरी नजर रहती है। इसके आगे दिचू भी है,
जो भारत तिब्बत और म्यांमार के बॉर्डर के करीब ही है। चीन की ताजा हरकत के बाद एलएसी के आसपास एक बार फिर से एनकाउंटर का खतरा पैदा हो गया है। तवांग में तनाव के बीच चीन लगातार उकसा रहा है। पूर्वी लद्दाख में 2020 के बाद एलएसी के आसपास जिस तरीके से आमना सामना हुआ, उसके बाद से ये लग रहा है कि चीन किसी बड़ी शरारत को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ताजा तकरार के बाद ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर चीन की मंशा क्या है। भारत की फौज पूरे अरुणाचल प्रदेश के एलएसी और खासकर इन 8 जगहों पर बहुत मुस्तैदी के साथ तैनात है। चाहे जितना भी खराब मौसम हो, चाहे जितने भी ऊंचे पहाड़ हो, भारत की फोर्स यहाँ मौजूद रहती है। और ये बात चीन भी अच्छी तरह जानता है कि यहाँ भारत का मुकाबला करना उसके लिए आसान नहीं है। फिर भी 9 दिसंबर को तवांग के यांगसे में चीन के 300 सैनिकों ने हमला किया और फिर पीछे जाने के बाद वापस भाग गए। तो देखिए, कंधों से जब कदम मिलते हैं और कदमों से कदम मिलते हैं तो भारतीय सेना जब चलती है तो दुश्मन के दिल हिलते हैं। और इस वक्त जो चीन है वो बौखला गया है, डर गया है, क्योंकि देखिए गलवान के बाद उसे मुक्की खानी पड़ी और जब तवांग पहुंचा तो किस तरीके से पिटा है चीन वो सबने देखा है। और अगर 2023 में वो युद्ध स्तर की तैयारी कर रहा है तो उसे पता है कि इसी फॉर्मेशन में उसे कहीं ना कहीं भारतीय सेना पटकनी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ये अब साफ हो गया है कि जो पिटाई उसकी तवांग में हुई है उसके बाद बौखला गया है चीन, डर गया है चीन। तवांग के यांगसे के लिए चीन की तैयारी बड़ी थी, इस बात को रक्षा मंत्री ने भी माना है। सरकार ने कहा है कि तवांग में स्टेटस को यानी एलएसी पर यथा स्थिति बदलने की कोशिश हुई। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। तवांग में 9 दिसंबर की रात क्या साजिश रची गई, इस मैप को गौर से समझिएगा। अरुणाचल प्रदेश में ये है तवांग और तवांग में ये जगह है यांगस्ते, ठीक एलएसी पर। ऊंचाई 17,000 फीट, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ तिब्बत जहां चीन की फोर्स मौजूद है। 9 दिसंबर को यहां चीन के 300 सैनिकों ने भारतीय जवानों पर हमला किया, उनकी भारतीय सेना से झड़प हुई और उस झड़प में चीन की फौज को खदेड़ कर भगा दिया गया। इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन चीन का बड़ा प्लान भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया। तवांग में तनाव फैलाना चीन का मकसद है। वो उस वक्त जब दोनों तरफ की फौज डिपसोंग और डिमचोक में आमने सामने है, ऐसे वक्त में चीन की तरफ से इस हरकत को धोखा कहा जा रहा है। पिछले साल 2021 में अक्टूबर के महीने में चीनी सेना की तरफ से यहां पर घुसपैठ की गई थी। उस वक्त भारतीय सेना ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था और कई घंटे बंधक बनाने के बाद उन्हें छोड़ा था। अरुणाचल प्रदेश के एलएसी के आसपास चाहे नामखाचू हो, सोमरोदोंग हो या फिर यांगसे, ये वो इलाके हैं जहां हजारों फीट ऊंचे पहाड़ हैं। सर्दियों में ये जगह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यांगसे भी एक ऐसी जगह है जो तवांग से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है और यहां जमी बर्फ एक तरह दुश्मनों के खिलाफ सर्दियों में प्राकृतिक बैरियर का काम करती है। ऐसे में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प का जो वीडियो वायरल किया गया वो यांगस्ते का है, क्योंकि आसपास पहाड़ पर हरियाली साफ देखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि इस झड़प के बारे में चीन के लोकल कमांडर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताया हो। ये छपरा का सदर अस्पताल है जहां पर कई लोग भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। या तो आप बेकार हो गए हैं, आपको इस्तीफा कर देना चाहिए। हम लोग तो हर सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं।